गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और ये है खेमरा से कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है, संशोधक करता ये है। ये कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये परमात्मा का, ये है परमात्मा का चित्र जो जिंदा महात्मा के रूप में वो आए थे श्री कबीर साहेब। और इसमें इसका किसने अनुवाद किया है, श्री युगलानंद बिहारी, उन्होंने इसका संशोधन किया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे बोध सागर में, ये है कबीर वाणी और ये है इधर बोध सागर प्रश्न नंबर 136-137 पर। यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल पुरवाणा। अब परमात्मा कबीर जी खुद कह रहे हैं धर्मदास जी को कि इन 12 पंथों में काल का फुरमान यानी उसी का आदेश ज्ञान वहीं तक सीमित होगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना उसके अंदर भ्रमित। वो 12 पंथों के द्वारा भ्रमित लोग जीवात्मा निज ठिकाने सतलोक नहीं जा सकती। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। अब ये प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसरे सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन वाणी, ये पंथों के नाम है, ये 12 पंथ कबीर पंथियों के। अब यहां देखिएगा, अब यहां से देखेंगे हम, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 और बोध सागर में। यहां देखिएगा, ये कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत कौन कौन से हैं। नंबर 1 नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी का पंथ, और दूसरा यज्ञू दास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, और चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाल का पंथ। कमाल भी अलग हो गया था परमात्मा से, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ, और नौवां राम कबीर पंथ, दसवां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां गरीबदास पंथ। ओए हाय, ये बारहवां गरीबदास पंथ है। और आगे अब देखना, उसी पर आते हैं, कबीर वाणी में 12 पंथों का जो वाणी के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा विश्लेषण है, कबीर वाणी 136 पृष्ठ से 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे। अब देखना, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राखा,
वंश हमारा यहाँ इन चूड़ामणि यहाँ ये सही है चूड़ामणि इन्होंने यहाँ जो लगा दिया 1870 पृष्ठ पर ये गलत कर दिया। 1870 पृष्ठ पर इन्होंने नारायण दास का पंथ बता दिया प्रथम, नहीं नारायण दास तो कबीर जी के समय में ही उनसे अलग हो गया था, अपने पिताजी की भी नहीं मानता था, वो तो कृष्ण पंथी था। यहाँ चूड़ामणि का पंथ है ये प्रथम, चूड़ामणि पंथ है ये गलत लिखा है इन्होंने। और यहाँ देखो यहाँ स्पष्ट हो गया, ये तो है 1870 पृष्ठ पर जो आपको दिखा है बोध सागर में और कबीर चरित्र बोध में, कबीर साहिब के पंथों का वृंदांत प्रथम नारायण दास जी का पंथ इन्होंने बताया, ये गलत बताया है। नारायण दास का पंथ नहीं, ये है चूड़ामणि पंथ। और दूसरा याज्ञो पंथ, याज्ञोदास सूरत गोपाल मूल नरेंद्र भगवान दास टकसार की वाणी। अब यहाँ इससे स्पष्ट यहाँ होगा 136 और कबीर वाणी पे द्वादश पंथ चलो सो भेद, यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल पुरमाणा भूल्य जीव न जाए ठिकाना। और यहाँ प्रथम जो है चूड़ामणि का सही लिखा है, ये प्रथम यहाँ गलत लिखा, यहाँ लिखना था ताते आगम कह हम रखा, यहाँ लिखना था प्रथम वंश चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि का है ये, क्योंकि इन्होंने प्रथम जागो लिख दिया, प्रथम जग में जागो भरमावे बिना भेद जो ग्रंथ चुरावे। और दूसरे सुरत गोपाल हुई नहीं, यहाँ देखो 1870 पृष्ठ पे बोध सागर में कबीर त्रित्रबोध में, कबीर त्रित्रबोध में ये यहाँ पर ये प्रथम नारायण दास नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि और दूसरा याज्ञोदास और तीसरा सूरत गोपाल चौथा मूल निरंजन। तो यहाँ ये सही है कबीर वाणी में 136 पृष्ठ पर, यहाँ है प्रथम, यहाँ प्रथम आना चाहिए था, ये प्रथम लिखा है इन्होंने जागू नहीं, ये उसके हिसाब से दूसरा है जागूदास और तीसरा सूरत गोपाल है, इन्होंने दूसरा सूरत गोपाल लिखा है क्योंकि इनके भेद ने पता चल लगा। ये देखो ये तीसरा सूरत गोपाल है और प्रथम ये नारायण दास गलत लिखा है, यहाँ पर ये चूड़ामणि है, दूसरा याज्ञोदास का पंथ है और तीसरा सूरत गोपाल है, चौथा मूल निरंजन। अब यहाँ आइए परमात्मा की वाणी 136 और कबीर वाणी में द्वादश पंथ काल फुरमाना भूल्य जीव न जाए ठिकाना ताते आगम कह हम राख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि आना चाहिए और दूसरा जागू, जैसे वहाँ लिखा दूसरा जागू होना चाहिए, ये हम लिखा दूसरा, ये सही है। प्रथम जग में जागू भरमावे बिना भेद वो गर्ण चुरावे, और दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार और पांचवा ये पंथ है पंथ बीज को लेखा, और छठा जो है सतनामी, और सातवा जीव पंथ, आठवा राम कबीर पंथ, नौवा ये ज्ञान वो निरंजन है मूल ज्ञान वाले ज्ञान वाला, और दसवें युग्यारमा है परम धाम की वाणी, जैसे यहाँ लिखा है ना। दसवां है प्रेम धाम की वाणी, ये प्रेम धाम की वाणी, और ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां है गरीबदास पंथ। यहाँ देखना इन्होंने नौवां दसवां लिख दिया, दसवां परम धाम की वाणी, ये ग्यारहवां होना चाहिए ग्यारहवां प्रेम धाम की वाणी, और साख हमारी निर्णय ठाणी। अब यहाँ है संवत, ये है बारहवां संवत 1775 ये 74 है, गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ था और उनको परमात्मा 10 वर्ष बाद सन 1784 में मिले थे। सन 1774 का सन 1717 बनता है और संवत 1784 का संवत सन 1727 बनता है, तो संवत 1775 ये 74 है, गलती से लिखा गया है। तो कबीर गरीबदास जी का जन्म
संवत 1774 अर्थात सन 1717 में हुआ था। संवत 1775 सोई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। ये है बोध सागर में कबीर वाणी, बोध सागर में कबीर वाणी और पृष्ठ 136-137 से आप जी को पढ़कर सुना रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सभी के घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे। है है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरी ही साखी लेकर दुनिया ने समझा करेंगे ये 12 पंथ, असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे, क्योंकि उनको यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। कबीर जी की वाणी अवश्य वो कहा करेंगे सुख, लेकिन वो उसका अनुवाद ठीक नहीं कर पाओगे। साखी हमारी ले जीव समझावे और असंग जन्म वो ठोर नहीं पावे। बर्म में पंथ प्रगट हो वाणी, बर्म में पंथ में प्रगट हव हव होता यू है नहीं, प्रगट हव वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी बर्म में पंथ के पंथ परवर्तक गरीबदास द्वारा प्रगट होएगी। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उनके अनुयायी मेरे ही उन शब्दों का मेरी महिमा की वाणियों का निर्णय करा करेंगे। पर अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हमी को झावे। देख लो वो पहले अस्थिर घर माने सतलोक में स्थाई स्थान नहीं पा सकते, भले ही वो कबीर कबीर करा करेंगे 12 पंथ वाले। और बारह पंथ हम ही चल आवे, परमात्मा कहते हैं कबीर जी बर में पंथ में हम ही चलकर आवेंगे आगे, गरीबदास वाले पंथ में आगे आगे चलकर हम ही चल आवें, बारह पंथ हम ही चल आवें और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावें। ओहो, और धर्मदास से कहा था धर्मदार जी जी अभी तुम इस बात को प्रकट ना करना, इस मूल ज्ञान को, तब लग बोधो कुरी चमारा फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, प्रथम चरण में कलयुग के अंदर तब मघर मांडो मैदाना, वो प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा मघर से सह शरीर गए थे और अब ये पिछली पीढ़ी आ गई, अब परमात्मा की दया से अब ये पिछली पीढ़ी है। प्रथम चरण कलयुग में प्रथम जो पीढ़ी होगी, प्रथम चरण होगा, तब वो मघर से मैं सतलोक जाऊंगा, तब मघर मांडो मैदाना। अब क्या बताया नीचे, धर्मदास मोरी लाख दुहाई और मूल शब्द बार न जाई, बाहर ये गलत लिख रखा है, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा तो गाते रहो ताकि हमारी सतीथि बनी रहे, और मूल ज्ञान तुम गोई रखो। ओए होए, मूल ज्ञान गोई तुम रखो, इस यथार्थ ज्ञान को अभी गुप्त रखना, प्रगट मत करना। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा, लेकिन मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब पुण्यात्माओं अब क्या बताया है कि ये 12 पंथ गरीबदास जी समेत 12 पंथ हैं, और भी आगे और पंथ भी चलेंगे, जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरूर बाल योगी सर्व फलाने चल रही है, सारे काल के पंथ हैं और कबीर जी की वाणी लेकर ही ये अपना पंथ अपनी डफली बजा रहे हैं, लेकिन इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। ये जितने भी कबीर पंथी हैं इस दास के अतिरिक्त, ये सब डुप्लीकेट हैं। इन डुप्लीकेट का अर्थ ये है कि इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, इनके पास यथार्थ भक्ति के मंत्र नहीं है। यदि किसी को ये ज्ञान भी है कबीर सागर को पढ़ के कबीर जी भगवान हैं, तो लास्ट में वो कहते हैं कबीर तो सतगुरु हैं और सतलोक में सतपुरुष निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। दूसरा, उनके पास वो मंत्र नहीं, वो 3 नाम के जाप नहीं, जिससे वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और भोली इन आत्माओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब एक प्रमाण और दिखाते हैं,
इसी कबीर वाणी कबीर बोध सागर में देखिएगा, आप जी ने ये पढ़ा, कबीर वाणी पढ़ी और 137 पर पढ़ा बोध सागर वाले में, ये 12 पंथ संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रगट है जग सोई। अब यहाँ इसका एक प्रमाण 134 पृष्ठ पर भी क्लियर किया है, यही कबीर वाणी बोध सागर में, ये देखिएगा। वंश प्रकार प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि के विषय में लिखा है, कबीर जी के जो वंश आएंगे कहते वो प्रथम वंश उत्तम शब्द से चला था परमात्मा की, और दूसरा वंश अहंकारी, दूसरा कौन है ये, दूसरा है याग्गुदास, देखिए दूसरा याग्गुदास, तीसरा सूरत गोपाल, इनके बारे में है ये। प्रथम वंश उत्तम ये चूड़ामणि जी, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये तीसरा लिया है इन्होंने सूरत गोपाल, और चौथा मूल निरंजन, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश सत्यान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध, और नौवें वंश पंथ पूजा, दसवें वंश प्रकाश, और ग्यारहवें वंश प्रगट सारा, बारहवें वंश गरीबदास के पंथ के बारे में कहा है, बारहवें वंश प्रगट होवे उजियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी के द्वारा मेरी कुछ महिमा का प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा, और तेरहवां वंश इस दास के विषय में है, रामपाल दास के विषय में, तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा, तेरहवां जो वंश मेरा आवेगा सारे अज्ञान को हटा देगा, एति दगा काल की समाई और तत् बिंदु की टेक रह जाई। अब 12 पंथों में काल की पूरी धूम होगी, परमात्मा कहते हैं फिर भी इस यथार्थ ज्ञान का फिर भी जो है बीज शेष रह जाएगा, और बीज है तो पेड़ भी बन जाएगा। अपुनात्मा ये कबीर सागर दास ने नहीं लिखा, ये कबीर पंथियों द्वारा ही लिखा गया है, लिखा तो धर्मदास जी ने है लेकिन लिपिबद्ध इन्होंने किया है, और इन कबीर पंथियों ने इसमें कुछ गड़बड़ी भी कर रखी है, जगह जगह उन्होंने कुछ स्थानों पर गड़बड़ करने की चेष्टा की है, लेकिन वो फिर भी स्पष्ट सच्चाई को छुपा नहीं सके, फिर उस इसी कारण से परमात्मा ने गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई, और जिसके विषय में ये दास आपको रह रहकर बता रहा है। अब प्रसंग चल रहा था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में के बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान ही वही पूर्ण परमात्मा है, वही पूजा के योग्य, ये ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो गोपाल दास जी ने गरीबदास जी के द्वारा बोला गया ये वाणी जो अभी आपने पढ़ा, कबीर वाणी बोध सागर पृष्ठ 136 और 137 पर, इसमें आपने पढ़ा कि बार में वंश हुए उजियारा और तेर में वंश मिटे सकल अंधियारा। अब ये दास जो तेरहवां वंश है इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा, ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसीलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही, परमात्मा कबीर जी आए उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया, गरीबदास जी को परमात्मा मिले उन्होंने सही ज्ञान दिया लेकिन उनके अनुयायियों ने मंतों ने पंथों ने
संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बठा बठा दिया। अब 13वें वंश के बाद इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। तो गरीबदास जी के द्वारा लिपिबद्ध कराई गई वो वाणी गरीबदास जी के अनुयायी पढ़ने लगे। गरीबदास जी के जो शिष्य बने, उन्होंने गरीबदास जी की वाणी का पाठ प्रारंभ किया। जैसे कोई वाणी कुछ ले लेते, कुछ उसको पढ़ते पढ़ाते, ज्ञान प्रचार करते, ऐसे ही एक गरीबदास जी का भक्त पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, पिंड है। उस वासियर पिंड में एक तालाब के किनारे गर्मियों के दिन थे, गर्मी का मौसम था। सुबह सुबह एक तालाब के किनारे स्नान करके और बैठ के गरीबदास जी की ये वाणी पढ़ रहा था। एक राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान, वो सुबह सुबह शहर को गया था और पंजाब के व्यक्ति परमात्मा की इस संतों की वाणी के बड़े श्रद्धालु होते हैं, इनकी बहुत रुचि होती है। जो ही उस राम राय नाम के व्यक्ति के कानों में परमात्मा की वाणी, संतों की वाणी गूंजी, वो उस संत के निकट जाकर बैठ गया। उन्हें काफ़ी देर तक अपना सुबह का नित्यनेम किया उस गरीबदास के भक्त ने, और राम राय जी उसको सुनते रहे। जब उन्होंने अपना क्रिया पूरी कर ली, तब उनसे पूछा, हे भक्त, ये किसकी वाणी है? उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी के द्वारा उन्हीं की बोली हुई वाणी है। राम राय जी ने पूछा कि ये महात्मा क्या अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए? उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्य ने कि ये अभी शरीर में है, जीवित है। पूरा एड्रेस नोट किया। अब राम राय जी ने सोचा, सरदार जी ने, कि ऐसे संत के दर्शन करने चाहिए, बड़े भागों से मिलते हैं। वो वहीं से चल पड़े, पैदल चले या जैसे भी, और वहां पहुंच गए। कहां? छुड़ानी गांव में। छुड़ानी गांव में पहुंचे सुबह सुबह। वहां गांव में पूछा भी, यहां गरीबदास नाम के संत हैं। पता चला कि सामने उनका मकान है। वहां राम राय जी गए तो वहां कुछ भक्त बैठे थे, इधर उधर आसपास के गांव के आकर बैठते थे, सत्संग विचार सुन लिया करते थे, दर्शन कराया करते थे। राम राय जी ने पूछा कि भी महाराज जी, गरीबदास जी कहाँ हैं, उनसे मिलना चाहता हूँ। उन व्यक्तियों ने कहा कि वो खेतों में गए हैं। राम राय जी ने पूछा, कितनी देर में आएंगे? तो उन भक्तों ने बताया, जी उनका कोई पता नहीं, आना होते ही बाजा, नहीं तो किसान हैं, खेतों में काम लग जाते हैं, शाम तक भी ना आवे। और इधर उनके खेत हैं, एक गांव वाले ने बता दिया कि इधर उनके खेत हैं। उस खेत की, उन खेतों में चल पड़ा। उसने सोचा जब इतनी दूर आ गया, 250-300 किलोमीटर है, तो 10 कदम और रख लेता हूँ, दर्शन करूँगा, फिर बाद में ही जल पान करूँगा। उधर से राम राय जा रहे थे और गरीबदास जी आ रहे थे। गरीबदास जी का किसान जाट परिवार में जन्म था, धोती कुर्ता जैसा भी हरियाणा की वेशभूषा ये उन्होंने पहन रखी थी। सिर पे पशुओं का चारा उठाए ला रहे थे, बरोटा बंडल ज्वार काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जैसे सिंपल किसान हो। अब राम राय जी के मन में ये सोचा था, उसकी अपनी सोच कल्पना थी कि महाराज जी तो कैसे होंगे, बड़ी दाढ़ी बड़ी होगी, सिर पर केस बड़े होंगे, लाल कपड़े पहन रखे होंगे, गल में 2-3 माला होंगी,
या फिर कति मूंड मुंडा रखा होगा, लाल कपड़े तरूर पहन रखे होंगे, या कई दोने पर बैठे होंगे तो चमटा चमटा ले रखा होगा, केवल एक लंगोट तन पर होगा। इस दृष्टिकोण से वो संत की ये ही वेशभूषा मानते थे और उसी को संत मानते थे। राम राय जी ने गरीबदास जी से पूछा कि भाई रुकना किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी के दर्शन करने हैं, मैं दूर तो आया हूँ पंजाब से, और उन वो कहाँ हैं, इधर उनके खेत यहीं बताए हैं। अब गरीबदास जी ने सोचा, न्यू कह दिया मैंने कि मैं ही गरीबदास हूँ तो ये मेरी एक नहीं सुनेगा और वापस पंजाब चला जाएगा, क्योंकि इसने वेश संत की परिभाषा और वेशभूषा, संत को इसने वेशभूषा से ही पहचान मान रखी है संत की। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ, मेरे साथ आजा, मैं गरीबदास से मिलाऊंगा आपको। अब वो वापस हो लिया। अब जो ही अपने मकान के सामने गरीबदास जी आए, उनके शिष्य खड़े हुए, प्रणाम किया दंडवत, और सिर पे चारा रखा था वो ले लिया एक न दौड़कर। अब राम राय ने सोचा, उनसे पूछा किसी से भी, ये कौन है, कि यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय जी ने सोचा, देख 250-300 किलोमीटर आया है, अरखोजा पाड़ अरिया पाई चुया है, यो महाराज जी पाया है थरा गज, इसे महाराज जी होया करें कदे। अब उसकी दिमाग घूम गया, अंतर्यामी गरीबदास जी समझ गए कि सरदार जी तो डगमग हो गया, पर जावे कहाँ, शर्मंदा सा हो गया। ने सोचा इतनी दूर से आया हूँ, इसका जाड़ा ले लूँ, इससे प्रश्न उत्तरी तक कर लूँ, इसने महात्मा मान रहे हैं ये लोग। वो बैठ गया, पर मन में ये विचार गलत आ गया, तुते वो झूम रहा था उसका माइंड, तो गरीबदास जी ने उसका नाम झुमकरा रख दिया, झुमक राय। उधर से क्या किया, जितने वहां भगत थे सेवक, कुछ तो दर्शन करके चले गए, कुछ एक को काम बता दिया, भाई तू बैल पानी प्याला, आप खाने की कह दो, ये भगत आए हैं दूर तय। वहां अकेले रह गए और नहाने लाए गए बाल्टी पानी का रख के, एक सेवक ने पानी की बाल्टी रख दी, स्नान किया, स्नान करके फिर धोती बांध जाकर, हरियाणा में धोती बांधते आपने देखा होगा, और उसको धोती का ही एक हिस्सा मोड़ कर एज ए बेल्ट प्रयोग करा कर धोती के ऊपर बेल्ट की तरह बांध लेते हैं। गरीबदास जी ने जब ना लिया धोती बांधन लगे, कहने लगे उस राम राय को कि हे सरदार जी, राम राय इधर आइए, कि हाँ जी ले मेरा धोती बांध दे, मेरी हाथ का चोट लगी रेहट पे काम करूं था, ये मेरी धोती बांध दे। अब धोती कैसे बांधा करते हुए, उसकी एक गांठ एक शिरा धोती का लेकर ऐसे कर लिया करते थे ऐसे, और उसके चार नो बांध जा करते शरीर के तागड़ी की जगह, जैसे बेल्ट बांधते हैं। तो उसने राम राय ने वह नूकरी हुई धोती गरीबदास जी के चारों तरफ से लाकर शरीर के और गांठ लाना चाहा, तो वह शरीर के मां के निकल कर धोती का गांठ लाएगी, शरीर के अंदर से निकल आया धोती वो चादर। राम राय ने सोची धोखा लग गया तेरे, दोबारा फेर करी, दोबारा फेर करके नू खींची शरीर में करने के लिए गांठ धोती गए, तीसरी बार फेर करी फटाफट, तीसरी बार फिर शरीर से निकल कर और तीसरी बार फिर गांठ धोती गए, शरीर के अंदर से निकला। अब राम राय जी जो थे वो विष्णु जी के उपासक थे। अब गरीबदास जी ने इतने से ऊपर अपना हिस्सा विष्णु रूप बना लिया और कहने लगे रहे राम राय ए जो मकरा। उसने के सोचा था राम राय ने, गरीबदास जी की किसान थे बहुत बड़े, 1500-1500 एकड़ जमीन थी उनके, और उधर से 800-900 एकड़ जमीन थी राम राय सरदार जी के,
इसलिए उसको राम राय साहब कहा करते हैं। तो उस राम राय ने सोचा कि मेरा कैसा किसान है और ये मजदूर मुजहरे इसको प्रणाम करें, महाराज मान रहे हैं। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे राम राय, मैं तेरे जैसा आदमी हूं, पर यह गांठ क्यों ना लगती, तेरे पर धोती क्यों ना बनती। जब उसने देखा करो ऊपर क्या देखा कि विष्णु रूप बना रखा गरीबदास जी ने, अब चरणों में पड़ गया, रोए रोए कि हे भगवान मैं पहचान नहीं सके आपको। तब गरीबदास जी अपने उसी रूप में आ गए, कहने लगे उठ भाई तू मकरा, आ जाए चर्चा करेंगे भगवान की। फिर उसने देखा तो फिर वो गरीबदास जी, उन्हें सोचा तेरा वो स्वप्न सा हो गया कि तेरा धोखा लग गया, तुम विष्णु जी का उपासक है ना, इसलिए तुझे रूप दिख गया होगा भगवान ने कहा। ये तो आदमी सिंपल ऐसा लग गया। फिर ज्ञान से चर्चा करी, जब पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने और पूरा ज्ञान बताया, वासुदेव की परिभाषा बताई जैसे दास बता रहा है, तब राम राय ने कहा कि हे महाराज जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया। तो गरीबदास जी क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अब गरीबदास जी क्या बताने लगे, कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान का परिचित आदमी नहीं पाओगा, अरबों में कोई एक, अरबों में गर्क यानी गर्क मीन पूरा ज्ञान भी उसके पास, उसको अधिकार भी हो नाम देने का और उसके पास पूर्ण मंत्र भी हो, ऐसा संत तुझे अरब अरब संतों में अरब गुरुओं में एक मिलेगा, अरबों में करोड़ संतों में भी नहीं मिला तेने। पुण्यात्माओं, एक गांव में यदि 10,000 आबादी है तो 5,000 गुरु पावेंगे उसमें, कोई तो झाड़े लड़िया, कोई जाड़ धड़निया, कोई जाड़ किलनिया है, और कोई फिर टोटके बतानिया। जैसे किसी बहन के बालक के, किसी बेटी के बालक के, बच्चे के कोई बुखार आ जाता है तो सासू ने को कहेगी बेबे थरद्वास की पूजा है, उसका दर्दे 100 रुपया बाबा श्याम जी का। जिठानी नो कहेगी के बरली का हो रहा है, बरली के दर्दे 2 मुट्ठी चावल। पड़ोसन आओगी नो कहेगी ना भीतरली के भी दर्दे, यानी भीतरली माता है। तीसरी आओगी नो गुड़का माली की बोल दे एक बेली। चौथी आओगी है, पांचवी नो कहेगी इसके कान तले टीका ला दे। छठी नो कहेगी गलों में गंडा बांध दे इसके। और सातवीं ने होगा कि इसका ऊपर के जिसकी नजर होगी हो ना उसके रेत उठा के इसके ऊपर के फेंक दे छोरे के। तो एक गांव में 5,000 गुरु पावेंगे, ये धार्मिक ज्ञान और समाधान बतानी है। और फिर हनुमान की पूजा बतानी है न्यारे, संतोषी माता के व्रत बतानी है न्यारे, राम कृष्ण की पूजा बताने वाले नरे। लेकिन ये तत्व भेद बताने वाले करोड़ों में नहीं पावे। एक समय एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहा था, उसने सोची कथा ना अच्छी लंबी खींच दूं, 1 महीने की रख दी 30 दिन की, और 30 दिन तक उसको प्रतिदिन 1 रुपया चढ़े, कोई टका चढ़ावे, कोई 10 पैसे, कोई 2 पैसे, कोई 54, कोई 52,
यानी एक 30 दिन में, एक महीने में उसके 30 रुपये दान के आए। और उसी गांव के लोग कुछ नालायक टाइप थे, उन्होंने सोचा कि इस कथा का भोग पड़ेगा 30वें दिन। पणवासी ने, उन्होंने दिल्ली से एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की एक गायिका मंगा ली। वो गायिका मंगा ली, उस दिन सांगुन ने रोप दिया जिस दिन भोग पड़ना था कथा का। तो 30 दिन में पंडित जी के ताए 30 रुपये और चंपाकली के 2 घंटे में मार के डांस डूम्स करके 500 रुपये दान आ गए। अब पंडित जी को पता चला उसका तो पानी सूख गया शरीर का, अकरे तरा गजब हो गया, मन 30 दिन हो गए गाल पीटते ने, मेरे 30 रुपये और वह 2 घंटे में लेगी 500 रुपये, नाश जा लिया देश का। अब लेकर वो 30 रुपये पैदल चल पड़ा, पैदल चलते ही थे। उसको पता था कि गरीबदास नाम के एक बड़े अच्छे संत हैं, सुना था उसने, पूछताछ कर चला गया। गरीबदास जी अपने मकान महल के सामने बरंडे में बैठे, 10-5 भगत आ जाया करते हुए बैठे। अब उसका मनीराम नाम था पंडित जी का, मनीराम। पंडित जी उसकी वेशभूषा पंडित का पता ही है, लाल अंगोछा टांग रखा, मार तलक रखा। तो सब ने कहा आओ पंडित जी, आसन दे दिया बढ़िया है बैठने का, बैठो आ जाओ आ जाओ। तो पंडित जी कहने लगा कि महाराज जी नाश जा लिया दुनिया का है, कितना दीन धर्म नहीं रह रहा है, कति कलयुग आ गया, अब न्योना क्या बीमारी की है। अब वो जो शिष्य बैठे थे वहां गरीबदास जी के, वो कहने लगे महाराज जी पंडित जी के तकलीफ है यू ना बताता और दुखी निरा। तो गरीबदास जी कहने लगे वह फूटी ज्ञान विवेक की अंधा है जगदीश, और चंपाकली का 500 मणिराम का 30 झगड़ा यू है भाई, यू नो दिख है कि चंपाकली 500 लेगी तेरे 30 मिले। तो इसे ये कथाकार लालच के लोभ में कहते तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। बोलो सतगुरु। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।